हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश को स्पोकन इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि स्पोकन इंग्लिश को और तेज़ बनाने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प है और किन किन टिप्स की वजह से आपको और अपने आप को बिल्डअप करने में हौसला मिलेगा। आज के इस क्लास में आपको हर चीज़ बताएंगे। आइए, हम आपको लेकर आए हैं 10 मोस्ट यूज़फुल टिप्स के जरिए आप समझेंगे कि आपका जो अभी प्रेजेंट का इंग्लिश है इसको अगर आप अपना लें तो आप देखिएगा कि एकदम मैजिकल चेंजेस आप में आएगा और आकर रहेगा। 100% गारंटेड है, क्योंकि देखिए ये सभी ने अप्लाई किया है और सभी को इम्प्रूव हुआ है। ज़्यादातर हम जो बच्चे पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में और अपने IELTS PT में, तो उन लोगों का इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। तो आइए जानते हैं आज के क्लास में किन 10 टिप्स और ट्रिक्स है जो आप भी अपना सकते हैं। आइए देखिए। तो How to improve your English, spoken English? You should focus on these following aspects to improve your spoken English. देखिए, पहला क्या है, be patient and persistent. आपको लगना होगा और आपको टाइम मैनेज करना होगा कि हमको करना है। इसके लिए आपको धैर्य होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। और persistent होना चाहिए, कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा कोई काम। देखिए, सेकेंड में क्या है कि रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगजीन्स। आपको ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जो भी आपको मिले उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि हेडिंग देखकर, टॉपिक देखकर छोड़ना नहीं है, आपको सीरियली पढ़ना है। कोई वर्ड आपको मुश्किल लग सकता है तो आप डिक्शनरी यूज़ कीजिए, चाहे उसको सर्च कीजिए, उसका मीनिंग समझिए और प्रयास कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और किताबें पढ़ सकें, न्यूज़पेपर पढ़ सकें। देखिए, थर्ड में क्या है कि वॉच इंग्लिश प्रोग्राम्स और कमेंट्री शो। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो नीचे दिया जाता है सब टाइटल्स, वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो वर्ड डायलॉग वो लोग बोलता है लोग, तो नीचे आपको आ सकता है सब टाइटल्स में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश का प्रोग्राम जो कमेंट्री होता है, जो क्रिकेट लाइव होता है, उसमें भी आप कमेंट्री किसी का देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसका मीनिंग आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी तरह देखिए, फो में क्या है कि फोकस ऑन फ्लुएंसी। बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपका फ्लुएंसी लेवल, यानी कि बोलने का जो होता है स्पीड, वो ज़्यादातर अवस्था में सेम होना चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन होगा। अगर आपका फ्लुएंसी लेवल, आपका बोलने का स्पीड अगर एक ही तरह का नहीं है तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्लुएंसी में बहुत ही सारा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। देखिए, 5 में है ट्राई टू हैव बेटर प्रोनाउंसिएशन। जब फ्लुएंसी आप करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राइट इंग्लिश का राइट प्रोनाउंसिएशन आपको होना ही होगा, क्योंकि आप अपने तरफ से नहीं पढ़ सकते हो, जो उसका प्रोनाउंसिएशन दिया होता है तो उसी के मुताबिक आप भी अपना काम कर सकते हो। देखिए, 6 में क्या है कि ट्राई टू अवॉइड योर हेजिटेशन। नर्वस नहीं होना है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है हम लोग के जीवन में, वो है हम ही लोग का जो छिपा होता है नर्वस, यानी कि हम लोग को हेजिटेशन नहीं होना है। हम लोग कष्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग चाह लें तो क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक शरीर में, एक अपने मन में चाह होना चाहिए कि हमको करना है। तो अगर वो फील आपका आ जाए तो आप कोई भी हेजिटेशन को पार करके अपना सफलता पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 7 में है बी नेचुरल एंड स्टॉप कॉपिंग अदर्स। इंग्लिश बोलते समय आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे को कॉपी करेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आप अपना खुद का एक स्टार्ट रख लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट अच्छे से कर सकते हैं। और बी नेचुरल रहिए, क्योंकि नेचुरली अगर आप बोलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, बी नेचुरल एंड स्टॉप कॉपिंग अदर्स, ये टॉपिक कह दिया है। तो देखिए, 8 में आइए, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, यानी कि एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कीजिए, इंग्लिश में बात करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो नर्वस था पहले, वो धीरे धीरे आपको हटते जाएगा और आपको अपने आप में लगेगा कि हम भी बात कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में किसी के साथ भी टॉक कर सकते हैं। देखिए, 9 में क्या है, देखिए कि रिकॉर्ड योर वॉइस एंड हियर इट लेटर। अपना आवाज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इंग्लिश बोलते समय या पढ़ते समय। तो ये शुरुआती दिनों में आप करेंगे तो आपको बाद में रिकॉर्ड सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक किए थे। तो अगर ये आप अपना हैबिट में बदलाव ले सकते हैं, अगर चेंज ले सकते हैं, तो देखिए हर चीज़ असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन हाँ, बस आपको करना है और आपको आगे बढ़ना है। देखिए, 10 में क्या है कि बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक्स।
आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप उसमें भी बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ शुरुआती दिनों में आपको कोई समय लग सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर इसमें अगर अपना ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इन 10 टॉपिक्स में आप अगर आप फोकस करेंगे तो इन दस जो एस्पेक्ट्स है इसको अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर ले तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा और इंग्लिश में आप बहुत ही जल्द अपना एक स्टैंड ले पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए अगर इंग्लिश को बढ़ाना है तो बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और आपको इस वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आपको अपना साथ और अपना ज्ञान देते जाएंगे। धन्यवाद।